पर देखिए यूजीसी ने जून 2023 के लिए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ यानी कितने नंबर पर इस बार सिलेक्शन हुआ है। पहली बात करते हैं इकोनॉमिक्स वालों की, तो इकोनॉमिक्स का जो कट ऑफ है वो 188 है फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जो जेआरएफ जिनको मिला है जेआरएफ अवार्ड उनको 188 लाना था, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर को 170। कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं? 83। वहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं 586। जल्दी जल्दी सब लोग देखते जाइएगा, ठीक है। EWS में जो कट ऑफ है 178, 154 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, OBC NCR 178, 152, ठीक है। सेम ऐसे ही कैटेगरी वाइज वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, अदरवाइज ये कट ऑफ का ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम पे देने वाली हूँ, तो सब लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में परसेंटाइल में दिया गया है रिजल्ट, ठीक है, 99.67, यानी आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर भी जो आपका कट ऑफ है वो 70% से नीचे नहीं जाएगा, 70% से नीचे बिल्कुल भी नहीं है आपका कोई भी कट ऑफ। तो इसलिए परसेंटाइल के बारे में भी, चलिए मैं भी इस बारे में भी बात करती हूँ, क्योंकि परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस है। जितने भी एग्जाम शिफ्ट में हुए हैं उन सब का जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आया है, जो एक ही शिफ्ट में हुआ है उनका कट ऑफ आया है, ठीक है। तो 70% मान सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का, बाकी जो आप लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसको उठा के देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए फिलोसॉफी में 218, जेआरएफ के लिए 188, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर जनरल अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी EWS 208 पे हुआ है जेआरएफ, 186 पे हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके अलावा साइकोलॉजी की चलिए हम बात करते हैं, साइकोलॉजी में अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए 216 पे, यानी 300 में से कैलकुलेशन किस में से हो रहा है, 300 में से 216 यानी 3×21, यानी आप मान सकते हो कि यहाँ पर जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं फॉर जेआरएफ 70% प्लस एवब हो रहे हैं, इसलिए जो आपका कट ऑफ है उसी के अकॉर्डिंग आया है। 216 पे जेआरएफ, 194 पे आपका हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 206 यानी 206 पे ईडब्ल्यूएस, 176 आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये पूरा डेटा आप देख सकते हैं। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो 216 और 196, 216 पे हुआ है जेआरएफ सोशियोलॉजी वालों का, 300 में से जिसके 216 आए हैं या 216 से ज़्यादा आए हैं उनका जेआरएफ हुआ, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी में 196, वहीं ईडब्ल्यूएस 210, 180, ओबीसी एनसीएल 206, 180, हाईएस्ट यहाँ एससी एसटी 194, 190, 198, 154, ये देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि हिस्ट्री वाला शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका परसेंटाइल में है, हालांकि इसका भी रिजल्ट आपका 70% से नीचे नहीं जाएगा, परसेंटाइल कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर रॉ स्कोर काउंट किया जाएगा आपका परसेंटाइल के लिए। पूरा अभी चीज़ मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो NTA ने बताई हैं कि परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए, तो अभी ये भी देखते जाइए। बट जल्दी से जो परसेंटेज में रिजल्ट हैं और जो आपके परसेंटाइल में है, देखिए एंथ्रोपोलॉजी 214, 190 पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, 206 पे EWS का जेआरएफ, 180 पे असिस्टेंट प्रोफेसर। बाकी कैटेगरी वाइज कॉमर्स वालों का, क्योंकि शिफ्ट में हुआ था तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका परसेंटाइल में है, रिजल्ट आया है, 100 लोग क्वालिफाई हुए हैं जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी और 892 यानी 892 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसका भी कट ऑफ जो है वो 70 प्लस ही मानिए, कम पे नहीं जाएगा। तो परसेंटाइल के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ इस कट ऑफ को दिखाने के बाद में, तो ज़रूर देखिए लास्ट तक वीडियो को। एजुकेशन 190 पे हुआ है इस बार एजुकेशन का जेआरएफ, देख सकते हैं 190 पे, यानी इस बार यहाँ पे कट ऑफ जो है कुछ कम लग रहा है यहाँ पे जाता हुआ। 172 पे असिस्टेंट प्रोफेसर, 300 में आपका 190, यानी यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है पहले से कुछ कम दिख रहा है। EWS 182, 156, ये एजुकेशन सब्जेक्ट वालों का है, ये पूरी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ है। चलिए सोशल वर्क का भी देख लीजिए, सोशल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी 198 पे सिलेक्शन हो रहा है जेआरएफ के लिए, 180 पे हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ईडब्ल्यूएस 194, 190, 174, 170 कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज। चलिए और आगे बात करते हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज 224, 202, यानी ये आपका जेआरएफ के लिए है, 202 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कैटेगरी वाइज तुरंत देखते जाइए। होम साइंस का कितने पे हुआ है इस बार जेआरएफ, 204 या 204 से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं उनका इस बार हुआ है जेआरएफ, और 184 यानी कि यहाँ देखिए ये 70% से कम आ रहा है,
ठीक है, यानी ये आप ये मान सकते हो 68 या 69% के करीब इस बारी आपका होम साइंस का जो कट ऑफ है वो गया है। कुछ नहीं करना है, 204 को आप भाग दे दीजिए 3 से, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इस बार का आपका कट ऑफ गया है, ठीक है। और ये देखिए होम साइंस का EWS 194 168, कैटेगरी वाइज ये पूरी PDF चाहिए तो जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन करें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 202 182, वेरी गुड, 198 168। उसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन स्टडी 212 पे, यानी ये 70% यहाँ पे गया है, ठीक है। 194 पे असिस्टेंट प्रोफेसर, 202 पे EWS 184, पॉपुलेशन स्टडीज जिनका सब्जेक्ट है, देख सकते हैं कि कितने मार्क्स पे कट ऑफ गया है। वहीं म्यूजिक वालों का बढ़ गया है 228 200 पे, यहाँ पे उनका 228, देख सकते हैं 70% से थोड़ा ज़्यादा ही है। 200 पे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर EWS 216 और आपका 186, ये है म्यूजिक वालों का कट ऑफ, यानी कितने परसेंटेज यहाँ पर आप निकाल सकते हो सीधा सीधा। मैनेजमेंट 184 यहाँ पर भी डाउन हुआ है, देख सकते हैं आपका, अगर आप क्या करना है 184 निकाल लो, आप 3 से भाग दे लो, कितने का पेपर था 300 × 100 कर लो, निकल आएगा परसेंटेज, तो यहाँ पर 60+ के अराउंड पे आपका JRF हो रहे हैं। वहीं 164 के अराउंड पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहे हैं। मैनेजमेंट में इस बार कट ऑफ, देखिए कट ऑफ का चेंज देखने को मिल रहा है, EWS जो है आपका 170 150 पे हो रहा है, मैथली 238 214, ठीक है, यहाँ पर बड़ा है मैथली। उसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बंगाली में 184 166 पे, और आगे बढ़ते हैं हिंदी वालों का, क्योंकि शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो इनका भी 70% से कम नहीं होगा, याद रखिए आपका अगर 70% से ज़्यादा है तो ही आपका ये कट ऑफ 99 point something आएगा। उसके अलावा जैसे जैसे अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा, जैसे 68 65, जैसे आप देख सकते हो कट ऑफ में भी जो परसेंटेज आए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग है। अगर आपका इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है परसेंटाइल तो आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये परसेंटाइल वाले। उसके अलावा कन्नड़ 182 162, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये पूरी PDF आपको मिलेगी, मलयालम 190 पर और 172 पे सिलेक्शन हुआ है। और आगे बढ़ें, उड़िया 188 170, पंजाबी 176 176, यानी 60% से भी कम, 60% से कम 176 158, 60% से कम जा रहा है यहाँ पे, 60% का मतलब है 180, लेकिन 180 से कम है, तो पंजाबी का इस बारी 60% से कम पे JRF हो गया है भाई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, संस्कृत 212, यानी कि 70% मान सकते हैं यहाँ पे 212, 190 पे असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तमिल 164, ठीक है 146, देख सकते हैं जो एग्ज़ाम इस बार टफ हुआ है उसका यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। तेलुगु पे 172 158, जिसके कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट में कम होंगे वहाँ कंपटीशन भी कम होगा। ये देखिए उर्दू में बढ़ गया 236 216, ठीक है, देख सकते हैं कितना हुआ यहाँ पे, जल्दी से देख के बताइए कितना हुआ, कितना परसेंटेज निकला। क्या करना है 236 × 100/300 कर लीजिए, करके देखिए, यानी कम से कम 75% है इस बारी उर्दू का। और आगे बढ़ते हैं, अरेबिक 236 210, इंग्लिश में परसेंटाइल 99, यानी 70% से कम नहीं है कहीं भी। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा 97.595 जो दिया है यहाँ पे आप मान सकते हैं 68% पे हुआ है सिलेक्शन। लिंग्विस्टिक 232 206, चाइनीज 166 166, दोनों का यही सेम है क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट कम है, केवल एक एक कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो वही है जिसका कंपटीशन ज़्यादा है। डोगरी 166 166, है ना, जहाँ कंपटीशन जो है ज़्यादा है वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा है। नेपाली 154 150 पे सिलेक्शन, मणिपुरी 224 172, जिसको भी ये PDF चाहिए टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। गुजराती 172 152, मराठी वालों का, चलिए मराठी भी देख लीजिए 166 148, फ्रेंच 216 186 पे सिलेक्शन, स्पेनिश 248 OMG,
कितना हुआ, 80% के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ गया है आपका स्पेनिश का, 80%। चलिए और आगे बढ़ते हैं, रशियन 174, पर्सियन 224-210, राजस्थानी 200-186, जर्मन 200-190। यहाँ मैं जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के मार्क्स बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी 220-220, जैपनीज एडल्ट एजुकेशन 216-200, फिजिकल एजुकेशन 180 यानी 60% पे सिलेक्शन हुआ है फॉर जीआरएफ, 156 पे असिस्टेंट प्रोफेसर, अरब कल्चर 224-212, इंडियन कल्चर 192-166, लेबर वेलफेयर 212-194, लॉ में 204 होना चाहिए, जेआरएफ 184 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल चेक करिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको परसेंटेज खुद समझ में आ जाएगा, 196, 176, 3 से डिवाइड कर दीजिए जो संख्या दिख रही है आपको, बुद्धिस्ट 176, 162, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन 230-208, मास कम्युनिकेशन 202-182, परफॉर्मिंग आर्ट 198-178 पे सिलेक्शन हुआ है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, म्यूजियोलॉजी 214-204 पे असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्कियोलॉजी 186-170, क्रिमिनोलॉजी में 212-194, ट्राइबल 170-158, फोक लिटरेचर 202-182, कंपैरेटिव लिटरेचर 220-186। ये पूरा पीडीएफ संस्कृत ट्रेडिशनल 212 पे, जीआरएफ 188 पे असिस्टेंट प्रोफेसर, विमेन स्टडी 210-190, विजुअल आर 200-180, 3 से डिवाइड कर लीजिए तुरंत निकल आएगा आपका परसेंटेज, 208-186, यानी 208 पे ज्योग्राफी का जीआरएफ हुआ भाई। सोशल मेडिसिन 198-176, फॉरेंसिक में 210-190, पाली 210-184, कश्मीरी में आपका 216-208 पे, कोंकणी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट आपको दिख जाए, 192-152, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में 174 पे सिलेक्शन हुआ है इस बार और 156 पे इस बार की कट ऑफ गई है, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक साइंस 206-182, एनवायरमेंटल साइंस 186 पे, यानी 60% के अराउंड यहाँ पे आपका हुआ है, 168 पे, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल 238-218, प्राकृत 248-248, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एचआरडी में 196-188, टूरिज्म 182-164, बोडो 154-142, संथाली 170-150, योगा में आपका 218-192, सिंधी 218 पे सिलेक्शन हुआ है जेआरएफ के लिए, हिंदू स्टडीज 248-236, इंडियन नॉलेज सिस्टम 196-194। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार 4937 लोगों को जेआरएफ मिला है, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो एलिजिबल है, जो नेट जिनको मिल रहा है वो है 37,242। अब बात करते हैं कि परसेंटाइल के बारे में, तो गाइस जिनका परसेंटाइल में स्कोर आया है उनका कैसे चेक करना है, कैसे परसेंटेज पता चलेगा। तो एनटीए की तरफ से जब बुलेटिन आया था तो उसमें स्पेशली बता दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर होगा जिनका भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, यानी जिनका एक या दो शिफ्ट में एग्ज़ाम है या एक से दो दिन में एग्ज़ाम है उनका नॉर्मलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर परसेंटाइल में स्कोर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 90 समथिंग में इस तरीके का जो है परसेंटाइल में स्कोर आया है। इन्होंने क्लियरली बताया है कि जो हाईएस्ट यहाँ पर अगर हम स्कोर की बात करें, स्केल रेंज की बात करें, तो वो 100 है और 100 से नीचे जितना स्कोर है यानी परसेंटाइल स्कोर परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट बताता है इक्वल टू और बिलो, ठीक है।
पर्टिकुलर परसेंटाइल इन डेट एग्जामिनेशन, यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर और जो लोएस्ट स्कोर है उन दोनों को ही कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसका परसेंटाइल निकाला जाता है। तो परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइजेशन के लिए होता है, जिसमें आपके जो रॉ मार्क्स होते हैं यानी जो मार्क्स आए हैं उसको नहीं दिया जाता है, बल्कि ओवरऑल चीज़ें देखी जाती हैं। यानी अगर आप सोच रहे हो कि परसेंटाइल से सीधे परसेंटेज निकल आएगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो कंसिडर की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है परसेंटाइल को, 100 नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपीयर इन द सेशन। स्पेशली लिखा है कि परसेंटाइल ऑफ द टोटल शेल नॉट बी एन एग्रीगेट और एवरेज ऑफ द परसेंटाइल ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट, परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम एज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। यानी कि परसेंटाइल आपके परसेंटेज को नहीं बताता है कि आपने कितने परसेंट मार्क्स पाए हैं। यहाँ पे चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, मान लीजिए 4 सेशन में एग्जाम हुआ है, उसमें डे 1, डे 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में कितने बच्चे एग्जाम में बैठे, उनका टोटल क्या था, कितने बच्चे एबसेंट रहे, कितने अपीयर्ड हुए, उनमें से हाइएस्ट कितना मार्क्स है, हाईएस्ट कितना है और लोएस्ट कितना है, ये कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करके। ठीक है, अब मान लीजिए क्योंकि 100 यहाँ पे माना जाता है कि हाईएस्ट स्कोर है, 100 को कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, 4 इन सबको मिला करके। तो ये देख सकते हैं पूरा कैलकुलेशन के किस तरीके यहाँ पे परसेंटाइल का स्कोर निकाला जाता है। बट यस, क्योंकि एग्जैक्ट आप यहाँ पे अपना स्कोर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि रॉ स्कोर यहाँ नहीं दिया जाता है, इसलिए आप लोग परसेंटाइल के लिए परेशान मत होइए। आप अपने पुराना जो कट ऑफ है उसको उठा करके, जो भी हुआ था फरवरी मार्च का पेपर, उसमें उठाकर कट ऑफ देख सकते हैं, उसी के नियर बाय इस बार का कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है, मान लीजिए उसमें भी परसेंटाइल में था, तब क्या करें? तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो आपका हाईएस्ट सारे सब्जेक्ट में अगर आप मान के चले तो एवरेज यहाँ पर 70% पे सबका कट ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो आपका 70% या 70% से अबव होगा तो कट ऑफ होगा, तो आपका JRF होगा। अगर 65 to 68 के बीच में है तो आपका नेट होने के चांसेस हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मिनिमम यहाँ पे स्कोर कैलकुलेट किया जा रहा है, लोएस्ट रॉ स्कोर कैलकुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से टोटल कैंडिडेट, लोएस्ट रॉ स्कोर। आप रॉ स्कोर कैसे कैलकुलेट करोगे, परसेंटाइल से परसेंटेज निकालना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको रॉ स्कोर पता होना चाहिए, जो ये कि NTA नहीं बताता है प्रॉपरली। उसने पासिंग स्लॉट तो बताया है बट रॉ स्कोर नहीं बताया है। ये हर पर्सन यानी हर कैंडिडेट का अलग अलग रॉ स्कोर होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिसका 100% में स्कोर आया, उसका रॉ स्कोर है 331। ठीक है, 90 पर अगर यहाँ पे 90.122 आया यहाँ पे, जिसका कि यहाँ पे टोटल से इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया है, इनटू 100 किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा परसेंटाइल रॉ स्कोर कैलकुलेट किया है। बट आपको अपना रॉ स्कोर नहीं पता है, जिसकी वजह से आपको परसेंटाइल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो किस तरीके से, कि आप अपने पुराने कट ऑफ को एक बार देख लीजिए, उसके अलावा आप इस बार का भी कट ऑफ देखिए कि जो परसेंटाइल में है, कि आप उस परसेंटाइल के कितने नियर अबाउट है, कितना आपका स्कोर आया है। अगर परसेंटाइल स्कोर से कम है तो आपका इसका मतलब है जो आपका स्कोर है वो पहले से कम आया है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी चीज़ें कैलकुलेट करके बताई गई हैं। बट क्योंकि निकालना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉ स्कोर है, शिफ्ट वाइज यहाँ पे जितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उन सबको कंसिडर किया जाता है, इसलिए ये आपका इन्होंने बताया है टोटल परसेंटाइल यहाँ पर निकालने के लिए रॉ स्कोर पता होना चाहिए, परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए पता, देन आप 100 इनटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन विद रॉ स्कोर और उसके बाद इक्वल टू और लेस देन T1 स्कोर अपॉन, यानी किससे भाग देना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन। आप ट्राई करके देख सकते हैं और बाकी इस तरीके से आपको अपना परसेंटेज परसेंटाइल पता चल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, डोंट गेट कंफ्यूज, अपनी लास्ट टाइम का कट ऑफ देख लीजिए। और याद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि UGC नेट का एग्ज़ाम अब पहले से टफ हो चुका है, मिनिमम आपका 70% पे JRF सिलेक्शन हो रहा है। तो आप अब जब अगला एग्ज़ाम देंगे दिसंबर वाला,
परसेंटाइल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि 70 प्लस हमें अपना स्कोर करना है। यानी अगर 300 का पेपर है तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्कोर करना है। मान लीजिए 225 है ना, 225 है, उससे जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे।